बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइशों पर मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है पके हुए अचार की रेसिपी, यानी कि इंस्टेंट अचार की रेसिपी, जिसे आप बनाने के फ़ौरन बाद ही खा सकते हैं। तो आज मैं आपको अचार की जो रेसिपी दे रही हूँ उसके अंदर मैंने थोड़ी से लहसुन और हरी मिर्चों का भी इजाफ़ा किया है। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी इसमें बढ़ा सकते हैं या सिर्फ आम का अचार भी बना सकते हैं। जो इसकी मेजरमेंट है, जो क्वांटिटी है तमाम मसालों की, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और शुरू में कार्ड में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। आधा किलो कैरी ले ली है मैंने, छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो खाने के चम्मच या तीन खाने के चम्मच के बराबर मैंने लहसुन ले लिया है, देसी लहसुन है ये। इसके अलावा तकरीबन 12-15 मैंने पतली और मोटी वाली मिला के हरी मिर्चें ले ली हैं। सरसों का तेल जाएगा इसके अंदर, सिरका, पिसी लाल मिर्च, नमक, पीली सरसों हैं, पीली हो या काली कोई भी आप एक ले सकते हैं, हल्दी, सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना, कलौंजी और साबुत धनिया। कौन सी चीज़ कितनी है आप कार्ड देख लीजिएगा, उसके हिसाब से मसाला तैयार कर लीजिएगा। और मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत धनिया चला जाएगा, राई चली जाएगी और साथ ही चला जाएगा ज़ीरा। बिल्कुल आंच को धीमा करके सिर्फ ज़रा सा 30 सेकेंड मैं इनको भूनूंगी। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इनको करारा कर लेना है। हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट करके मैं इनको बारीक ग्राइंड करके पाउडर बना लूँगी। बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्याले में और फिर इसे पाउडर बना रही हूँ। इसी में हम गरम गरम में सौंफ डाल देंगे और हल्का सा इसे भी टॉस कर लेंगे। इस अचार के मसाले में मैं सौंफ को साबुत रखूंगी। थोड़ा थोड़ा वैरायटी में तब्दीली करनी पड़ती है, वरना बेसिक मसाले सारे अचार के एक ही होते हैं। बस हल्का सा मैंने इसे भून लिया है, बस इसे भी मैं निकाल रही हूँ वापस। अब मैंने चूल्हे के ऊपर वापस से पतीली रखी है और इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। इसे बहुत ही अच्छा कड़कड़ा के हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए और ये थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए। जैसे ही तेल का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा मैं इसके अंदर मेथी दाना डाल दूंगी और आप देखिए मेथी दाने में भी अभी क्रैकल स्टार्ट हो गया। साथ ही चली जाएगी सौंफ और साथ ही चला जाएगा ये तमाम पिसा हुआ मसाला। हल्का सा इसे मिक्स करते हैं और अब हम इसके अंदर कैरियाँ डाल देंगे। साथ ही लहसुन और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसके नीचे ज़रा सा धीमा चूल्हा जलाएंगे। तो मैंने मीडियम लो इसकी फ्लेम ऑन कर दी है। इसे मिक्स कर रहे हैं, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा नमक। नमक हसबे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक लिया है। साथ ही चली जाएगी हल्दी, पीसी लाल मिर्च और कलौंजी। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम अचार के ऊपर कवर लगाएंगे और सिर्फ 2 मिनट टाइम देख के हम इसे पकाएंगे ताकि ज़रा सी सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं और जो कैरी का पानी है वो खुश्क हो जाए। आंच जो है वो मीडियम लो की तरफ रहेगी। कैरियों को मैंने पकाने रखे हुए सिर्फ 2 मिनट अभी हुए हैं। आप देखिए बिल्कुल गली वगैरह कुछ नहीं है, हल्का सा बस मसाला इन्फ्यूज़ हुआ है और थोड़ा सा ये गीला गीला सा हो गया है। कैरियों ने थोड़ा सा अपना पानी निकाला है तो ये उसमें पक रही हैं। अब हम इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून भर के केवड़ा कह रही हूँ सिरका डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बड़ा ही मसालेदार चटपटा अचार रेडी होता है ये। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी तो खैर मसाले वगैरह कम डालती थी, मैंने अपने हिसाब से बढ़ाए। नमक भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है
मैं इसे कवर लगा के सिर्फ 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और दूंगी, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और बोतल में भर लेंगे। तो देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैंने इसको किस तरह ठंडा होने रखा है कि जो इसका ढकना है वो मैंने इस तरह रख के और पीछे की साइड करके रखा है, तो जितनी भी भाप होगी वो बनती जाएगी और पीछे की साइड चूल्हे पे गिरेगी, इसके अंदर नहीं गिरेगी। और एक चीज़ और जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी, हरी मिर्चों में बीच में कट लगा लीजिएगा छोटे छोटे, तो वो मैंने तो उठा के बीच में लगा लिए ऑफ कैमरा, आप पहले से लगा लीजिएगा, मैं बिल्कुल भूल गई थी, इसके लिए माफ़। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड ईजी इंस्टेंट अचार बिल्कुल रेडी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिएगा। अपनी कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।